प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्र लिखेंगे बहन की शादी में जाने के लिए अवकाश का आवेदन पत्र। अवकाश आवेदन पत्र, बहन या भाई कुछ भी हो सकता है, बहन की शादी हो या भाई की शादी हो या दोस्त की शादी हो, तो उसमें जाने के लिए हमको अवकाश आवेदन पत्र लिखना है। और ये हम किसको लिखेंगे? प्रधानाध्यापक को। तो यहां पर जैसे लिखा मैंने प्रति, फिर लिखेंगे हम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये समान रहेगा लगभग सभी में। और यह लिख दिया शासकीय माध्यमिक शाला, मान लो इंदौर है तो इंदौर लिख दिया, और यहां लिख दिया जिला इंदौर। और साथ में हम क्या लिख सकते हैं? जिला इंदौर मध्य प्रदेश। अब हमको किसकी लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं? हम बहन के शादी में जाने के लिए, या भाई के शादी में जाने के लिए, या दोस्त की शादी में जाने के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे विषय, यहां लिखा बहन की शादी में जाने हेतु, में जाने हेतु अवकाश, अवकाश प्रदान करने बाबत, प्रदान करने बाबत, ये लिख दिया। फिर लिखेंगे महोदय, फिर लिखा हमने उपरोक्त विषय अनुसार, क्योंकि विषय में हमने लिख दिया है किस लिए हमको अवकाश चाहिए, तो उपरोक्त विषय अनुसार मुझे मेरी चचेरी बहन की शादी या के विवाह की शादी में सम्मिलित होने हेतु, सम्मिलित होने हेतु मेरे परिवार के साथ, मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा, मैं छोटा बच्चा हूं, मेरे परिवार के साथ भोपाल, भोपाल में चचेरी बहन है, वहां उसकी शादी हो रही है, भोपाल जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। अब मान लो शादी दो दिन की है, यहां लिखेंगे अतः महोदय से विनम्र निवेदन, महोदय से विनम्र निवेदन है कि मुझे दो दिवस, अब दो दिवस कौन कौन से हैं? एक तो है 14/7/2022 एवं 15, यह हम इसको लिख देते हैं 15/7/2022 एवं 16/7/2022, मुझे दो दिवस, और इसको कोष्ठक में लिख लो। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि मुझे दो दिवस, कौन कौन से दो दिवस, ये का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करेंगे, प्रदान करने का कष्ट करेंगे। और यहां पर लिख देंगे प्रार्थी या आवेदनकर्ता या आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहां पर अपना नाम आ जाएगा, और यहां पर स्कूल का नाम आ जाएगा शासकीय माध्यमिक शाला इंदौर, और अपनी कक्षा, मान लो कक्षा आठवीं है, तो यहां लिख दिया हमने कक्षा आठवीं, और सेक्शन मान लो ए है तो ए लिख दिया हमने, और यहां लिख दिया हमने दिनांक। अब देखो हमको दो दिन का अवकाश कौन कौन से चाहिए?
15 जुलाई और 16 जुलाई का अवकाशी है, और ये हम लिख रहे हैं मान लो दो दिन पहले लिख रहे हैं, तो दिनांक क्या लिख दिया हमने 13/7/2022, पूरा भी लिख सकते हैं, 60 में भी लिख सकते हैं, और स्थान क्या लिख दिया हमने, स्थान लिख दिया इंदौर, और स्थान अपन कहां लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं स्थान इंदौर, और दिनांक लिख दिया हमने 13/7/22। तो ये हो गया, किसकी शादी में, किसी की भी शादी में हो सकता है, बहन की शादी में, भाई की शादी में, दोस्त की शादी में, या चचेरी बहन चचेरे भाई दोस्त की शादी में, तो ये यहां पर शब्द बदल जाएंगे, बाकी आवेदन पूरा जो रहेगा वो इसी प्रकार से रहेगा। तो ये हमने देखा कि बहन या भाई की शादी में जाने के लिए अवकाश आवेदन किस प्रकार से लिखा जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।